मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की बेरुखी ने किसानों को जहां मायूस किया तो वहीं दूसरी तरफ नहरों में पानी न मिलने से किसान अब अपनी खड़ी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। जबलपुर जिले से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पानी की कमी की वजह से किसान अपनी धान की फसल पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हैं। किसी भी किसान के लिए ये काम आसान नहीं होता कि वह अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दे, लेकिन जबलपुर के पाटन तहसील से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां किसान धान की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने पर मजबूर हो गया है। जबलपुर की पाटन तहसील में हजारों की संख्या में किसानों की धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। वजह है मानसून की बेरुखी और नहरों से पानी न मिल पाना। दरअसल पाटन के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बरगी बांध से नहर के जरिए पानी पहुँचाया जाता है, लेकिन खराब इंजीनियरिंग के कारण बनाई गई नहर में आज तक पानी नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से किसानों को फसलों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। नतीजा, आसमानी बारिश पर निर्भर किसान अब अपनी खड़ी फसल को ट्रैक्टर के जरिए नष्ट कर हजारों का नुकसान उठा रहा है। किसानों का कहना है कि उनके गांव में जो नहर तैयार की गई है, जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से उन नहरों में आज तक पानी नहीं आ पाया। कभी कभी पानी आता भी है तो अधिकारियों से मिलीभगत कर कुछ लोग पानी को रोक देते हैं, जिसके कारण सभी किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता। किसान अपनी फसल को रौंद रहा है, ट्रैक्टर से खत्म कर रहा है धान की खड़ी फसल को। मजबूरी ये है कि उसका साथ मानसून ने नहीं दिया और जिम्मेदार विभागों ने नहीं दिया। मेरे साथ कुछ किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। कितना नुकसान यहाँ पर आपको उठाना पड़ रहा है इस नहर में पानी ना आने की वजह से, मानसून की कमी की वजह से? हम लोगों को कम से कम 20,000 रुपये एकड़ की लागत से किसान धान हम लोगों की बर्बाद हो चुकी है। अगली फसल के लिए हम लोगों के पास कोई गुंजाइश नहीं है। किसान अपनी बाल बच्चों की तरह से फसल लगाता है, उसको ऊपर रोटावेटर चलाता है। ये बहुत कठिन काम है भैया, उस किसान के दर्द को आप समझो कि अपनी खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाता है। इधर सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। मात्र एक सब इंजीनियर के भरोसे पूरी पाटन तहसील में नहर की देखरेख और पानी की सप्लाई देखी जा रही है। ऐसे में काम प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही अधिकारियों का कहना है कि किसानों के बीच सामंजस्य ना बैठ पाने के कारण भी नहरों में पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। पूरा पाटन सब डिवीजन में अकेले सब इंजीनियर जो पूरा पाटन हमें देखना पड़ रहा है, स्टाफ की हमारे पास सुपरवाइजरों की कमी है, जो हमारा लेबर स्टाफ है वो भी रिटायर होता जा रहा है। आज 1/3 बचा है सब इंजीनियर में, केवल अकेले होने के कारण पूरा सब डिवीजन देखने के कारण समस्याएं आती हैं। और हर जगह पानी टेल पर जाने के लिए असामंजस्य के बगैर कहीं भी पानी टेल पर जा नहीं सकता। विभाग या मतलब गाँव का अगर सामंजस्य हो वहीं पानी टेल पर जा पा रहा है, नहीं तो जाना संभव नहीं होता अगर तालमेल नहीं है। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन खामियाजा तो केवल किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। जिस किसान की समृद्धि के लिए सरकार बड़े बड़े वादे और दावे करती है, वह जमीनी स्तर पर किसी तरह खोखले साबित होते हैं। पाटन के किसान इसकी वानगी हैं। टीम न्यूज़ 8।